वार्तालाप होती रही अगर मैं ये बोलते थी कि अध्यक्ष और जब तक अखाड़ा परिषद का सबका विचार विमर्श होगा फिर मैं आपके साथ खड़े होंगे। तो अभी क्या है कि सबका व्यवस्थाएं थी और अभी आप जानते हैं कि एक तरह से मतलब जो है अब ये सब लोग आप कैसे मानता बढ़ाया जा, कैसे यहाँ पे संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा, कहीं प्रयागराज बहुत दिन से पहचान के लिए कहीं न कहीं एक व्यवस्थाएं थी चिंताजनक होती जा रही थी। प्रयागराज की पहचान टाउन के अलावे कुछ पहचान रह नहीं गई थी और सब व्यवस्थाओं से पहचान आती है। कहीं न कहीं अनेक प्रकार का शुद्धिकरण किया गया है ना। आगे फिर आप बताता हूँ कि आप लोग बाहर जाइए, इससे मेरी बैठक का कार्यक्रम हो सके। हमने बैठक रात के अंधेरे में नहीं की है, हम बैठक सबके सामने थी। अभी जो बैठक है सबके सामने शुरू होने वाली है। हमको क्योंकि पूजन हम लोग कब किए थे, गंगा दशहरा पे ही पूजन हमारा हो चुका था और गंगा दशहरा पे ही सारी योजनाएं बन चुकी थी। थे अध्यक्ष जी स्वर्गीय कैलाश पासी और मैं मुख्यमंत्री जी से तमाम वार्तालाप। अखाड़ा परिषद दो फाड़ों में बट गया है, किस तरह से आज जब बैठक हुई है और क्या बात नहीं है? जो हमारे साथ अखाड़े हैं, जो पूर्व में मोबाइल है, जो हमारे प्राचीन अखाड़े विश्व में सबसे बड़ा अखाड़ा जोना अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, हमारे नए अखाड़े जो आप आज के अध्यक्ष हमारे भरत राम जी बैठे हुए हैं, ये जितने भी अखाड़े सभी इकट्ठे होकर के जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसी का निर्वाह हुआ है। नियम यही था कि जो भी अध्यक्ष होता है उसके एक्सपायर होने के बाद जो उसी की अखाड़े का अध्यक्ष बनता है उसकी परंपरा को आज सभी अखाड़ों ने निभाया है और वही आपके सामने चुना हुआ है। और सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य होगा जो सनातन की रक्षा है, जो भी साधु संत महात्मा जिनकी हत्याएँ हुई है उनके लिए सीबीआई जाँच हमारे जो अध्यक्ष मोदी जी आज उन्होंने वो उसमें एजेंडा में रखा हुआ है। और उसके अतिरिक्त हमारा जो है सबसे बड़ा लक्ष्य जो है इस समय हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, योगी को दोबारा लाना है, उत्तराखंड में भाजपा को लाना है, यूपी में हमें भाजपा को लाना है और मोदी जी को 2024 में दोबारा जो है पीएम बनाना है। तो हमारा जो है जो राम के है वो हमारे हैं, हम राम के हैं, तो जो भी पार्टी राम की पार्टी है वो संतों की पार्टी है। महाराज जी नई कार्यकारिणी का भी हरिद्वार में गठन कर दिया गया था आज यहाँ, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो भी कार्यकारिणी बनाई है वो सही माने में न कोई एजेंडा है न कोई प्रस्ताव है, उन्होंने फर्जी रूप से कार्यकारिणी बनाई है, उसका कोई महत्व नहीं है। जो कार्यकारिणी बनी है हमने जो है पिछले महीने की 15 को हमने एजेंडा निकाला हुआ था और आज हमारा चुनाव हो गया है। तो कार्यकारिणी कोई महत्व होता है उससे कोई टाइम होता है, टाइम लिमिट्स होती है, हमने जो है 20 दिन का टाइम रखा था, 20 दिन के बाद आज हमारा चुनाव हुआ है। और बाकी इसके लिए जो विशेष रूप से आगे आप देखेंगे जो हमारा कार्य होगा प्रयागराज में चुनाव, जो प्रयागराज में चुनाव भी होना है, पहले चुनाव होगा उसके बाद कुंभ मेला होगा, उसमें जो भी कार्य होगा पूरा अखाड़ा परिषद उसमें सहयोग करेगा। और हमारा सबसे बड़ा जो मिशन अभी है योगी जी को हमें जो है यूपी में दोबारा लाना है, जहाँ भी हमारे स्थान है जो हमारे भगत है जो जगत है वहाँ जो हम जो है जा करके उनसे यही रखेंगे हमें जो है योगी को दोबारा, अगर सनातन को बचाना है योगी को दोबारा लाना है। महाराज जी क्या चुनौतियाँ हों